अगर आपके पास भी ऐसा टायर है और आप ये सोच रहे हो कि ये एकदम ख़राब है, बेकार है और किसी काम का नहीं है, तो आप बिल्कुल भी गलत सोच रहे हो। सबसे पहले तो आप टायर देख लीजिए, इसकी कंडीशन कैसी है। पास में लियो, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर दो उंगलियां भी निकल चुकी है। और अगर आप टायर वाले के पास में या फिर किसी भी एजेंसी वाले के पास में जाते हो तो वो आपको यही बोलेगा ये किसी काम का नहीं है, एक रुपए का भी नहीं है, सारा वेस्टेज हो चुका है। तो अगर कोई आपको ये बात बोल रहा है तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। अभी मैं आपको एक ऐसी तकनीक दिखाऊंगा जिससे ये जो ये टायर है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इस टायर की, नई टायर की जो कीमत है वो 31,000 रुपये है। जी हाँ, 31,000 रुपये। और ये मिसलिन कंपनी का ये टायर है और ये साइड से कट लगने के बाद में कुछ इस तरीके का हो चुका है। मैं अभी आपको पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा और इस टायर को हम नया जैसा नहीं, एकदम नया बनाएंगे। कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये टायर नया है या पुराना है। कुछ इस तरीके की पूरी प्रोसेस इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। उसके बाद में लास्ट में हम ये भी जानेंगे इसको जो रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी आई है वो भी। क्वेश्चन को ऊपर काट लाइए। तो ये हमारे पास वो टायर है जो हमने बताया आपको दिखाया था,
एकदम साइड के अंदर कट लगा हुआ बड़ा सा, और वो कट रिपेयर हो चुकी है और ये टायर हमारे सामने है। तो अभी तो सबसे पहले तो आप वो कट देख लीजिए कि किस तरीके की जो कट है वो रिपेयर हुई है एकदम, ये देख लीजिए आप। तो इस तरीके की ये कट हो गई है। अभी कोई बता नहीं सकता, अगर इसके ऊपर हम स्टिकर चिपका दें तो सेम टू सेम यही लगेगा कि एकदम नया टायर है ये, वो पुराना वाला कट लगा हुआ टायर नहीं है। इस पर थोड़ा सा मान लो कि ना स्टिकर लग जाए इस बड़ा सा, तो किसी को भी नहीं पता चलेगा। और अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की। तो इस टायर को बनाने का जो खर्चा है वो 700-800 रुपये के अराउंड बैठता है। बाकी कट पे डिपेंड करता है कि कितनी उसकी कॉस्टिंग रहेगी। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें।